My name is Rambo Rambo. Oh, John Rambo. Oh, I will kill you. बाजी जी कॉकरोच मार रहा था जी। सारा दिन तुम कॉकरोच मारते रहते हो। चलो जाओ, 7 नंबर कमरे का फ्लश खराब हो गया, जाके ठीक करो वो। वो ये पिछले हफ्ते से कोई चौथी दफा बंद हो रहा है जी। वैसे ये चक्कर क्या है? बाबा ये गेस्ट हाउस है, यहाँ हर किस्म के लोग आते हैं। ये बाजी जी, ये 7 नंबर में कोई पंजाबी फिल्मी हीरोइन ठहरी हुई है। बदतमीज, चलो जाके काम करो अपना। सानू नहर वाले पुल ते बुला के रैंबो माही किथे रह गया। इसमें कुछ लग भी लिया करे, यानी आपने बतूल और ब्रीफकेस में रखा ही कुछ नहीं। घंटी लगी हुई है और घंटी को इस तरह बजाते। जनाब मुझे कमरा चाहिए। अच्छा, बाहर बारिश लगी हुई है? नहीं। अच्छा, आप अपनी सर्विस करवा के आ रहे हैं? जी नहीं, ये बाहर तुम्हारी तरह एक बदतमीज खातून ने अपनी गाड़ी गुजारते हुए मुझ पर पानी फेंका। ओ, अच्छा तो आप यहां रहने के लिए आए? क्यों, आप गवर्नर से कम आदमी को कमरा नहीं देते क्या? नहीं नहीं, नवीद देते हैं। आप नवीद कमरा? जी मैं। आप इंतहाई बदतमीज खातून। किसको कह रही है? जी मैं आपसे कह रहा हूँ। मुझसे? जी जी। मुझसे क्यों कह रही है? अभी थोड़ी देर पहले आप इवानी फैसल से एक सफेद गाड़ी में नहीं गुजरी थी? नहीं, मैं तो नहीं गुजरी। आप नहीं थी? जी नहीं। I'm sorry. कोई बात नहीं। तो नवीद का? नवीद साहब। नवीद सर जी। नवीद जी। देखो भाई, बहुत ही मौजूद एक आदमी आए हैं, तो इनको जरा हैंडल करें ना, कोई होश में नहीं है जरा। अपर चैम्बर तो जरा इनको देखें जी, कमरा दे अच्छा सा, ये 24 दे दे। जी बेटा। जी जी। तो इंतहाई बदतमीज खातून। सुनिए जी, फरमाइए। ये बदतमीज खातून भी यहाँ ठहरी हुई है? जी नहीं। फिर ठीक है, ये हमारी मालिकन है जी। हम्म, जी हाँ, इस गेस्ट हाउस के मालिक की मालिकन है, समझे? हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? कब आए सर? खैरियत से तो हैं? मैं आया तो ठहरने के इरादे से था, लेकिन अब सर बात तो सुने सर। क्या बात भाई? देखो ये हमारे हमीदी साहब हैं, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर, ये यहाँ ठहरने के लिए आए हैं भाई। ना ना ना, जब तक वो बदतमीज खातून यहाँ है मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। अच्छा सर बात, कौन बदतमीज खातून? जी वो मैडम। क्या खूबसूरत बात की है सर आपने। सर ये गेस्ट हाउस उतना ही आपका है जितना हमारा। सर आप मुर्दार। मुराद मुराद भाई बात सुनो, जल्द साहब को देखो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ये ले सर। ठीक है सर, दे 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 सर। ठीक है सर, फिर डर लग पे। आइए सर, आइए आप, आइए सर, आइए। वो बदतमीज खातून सर। ठीक है सर, सलाम जी। वो आपसे ये पूछना था, यहाँ से लोकल कॉल मिल सकती है? मैं नहीं ऐसे पूछ रहा था, जब मिलाना होगा आपको बता दूंगा। सर जी सब ठीक है ना? सर मैं चला जाऊँ? जाओ। नहीं मैं वाकई चला जाऊँ? हाँ हाँ जाओ। सर आपको अंग्रेजी आती है? ये मैं
अंग्रेजी में एक बात पूछना चाहता हूँ जी, वो टिप TIP टिप का क्या मतलब होता है? टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। सर ये मुझे दे रहे हैं जी। भाई मैं उठा सकता हूँ इसे? भाई सर मैं लेके चलता हूँ। भाई ये इतना भारी नहीं है, मैं इसे उठा सकता हूँ। सर मैं लेके चलता हूँ, मेरा मतलब समझे ना जी। ओ आई सी। मतलब समझ गए सर। TIP टिप। देखो रंबो ये बात ठीक नहीं है। कौन सी बात? ये टिप यार मुझे मिली है। कौन सी टिप? देखो ये सौदा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। चला चल। क्या बात है? सर देखे ना जी, इसने मेरे 10 रुपए ले लिए जी। कैसे रुपए भाई? नहीं सर ये झूठ बोल रहा है जी, इसकी तो आपकी खोपड़ी 3 रुपए की है, 10 रुपए कहां से आए इसके पास? ये क्या कह रहा है? ये कौन से पैसों की बात हो रही है? सर ये बड़ा लालची है जी, आपके बार बार मना करने के बावजूद लोगों से टिप लेता है, ये तो मांगता है जी। ये बात सही है? ये ठीक कह रहा है? नहीं नहीं सर, आपके सर की कसम सर, मैंने कभी टिप नहीं मांगी जी। अच्छा चलो 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 अपना काम करो। She who teaching in the Latin is the pattern of the letter of the no, the pattern. चले चले। कौन ख्याल रखेगा? वो हमारे पास कौन से हैं? सब अपने लिए होंगे खुश। फिर भी मैं तो माँ हूँ ना, और हाँ मरने के बाद मुझे मेरे बाप वाले कब्रिस्तान में दफन करना, ससुराल वाले कब्रिस्तान में मैं कुछ नहीं रह सकती, और मेरे बच्चों को बर वक्त खबर कर देना। तुम्हारी बीमारी की सुनकर तो वो आए नहीं, मरने की क्या खबर करूँ? अरे ऐसा मत कहो, मेरी बेटी ने तो मेरी बड़ी खिदमत की है, उसका शौहर घर और बच्चे भी तो हैं। अच्छा अच्छा, अभी तुम कमजोर हो, ज्यादा बातें नहीं करो, आराम करो। हाँ एक और जरूरी बात, वो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। वैसे भी उनकी जिंदगी बड़ी तकलीफ दे थी, हर वक्त बीमार भी तो रहती थी। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह उनकी वो जिंदगी आसान करे, अल्लाह उनकी मगफरत करे। अबू जी हम सब ने मिलकर एक फैसला किया, हम चाहते हैं आपकी रजा भी इसमें शामिल हो। देखे ना ये घर अम्मी का था, अब वो तो रही नहीं, आप इतने बड़े घर में अकेले क्या करेंगे? वैसे भी अब आपको सिर्फ एक बेडरूम की ही तो जरूरत है, इतने बड़े घर का मेंटेन करना भी एक अजाब होगा आपके लिए। नहीं बेटे मैं यहीं रहूंगा, काफी जिंदगी गुजर गई है, थोड़ी जो बाकी रह गई है वो भी गुजर जाएगी। नहीं अबू, अब आप अकेले नहीं रहेंगे, कभी मेरे घर, कभी असद भाई और कभी साहिद भाई के घर, ये हमारा फैसला है। हाँ
तुम्हें बड़ी पड़ी थी बड़े मियाँ को हातम ताई वाली ऑफर देने की। मैं खुद खिदमत कर लूंगी अपने अब्बू की, और वो कभी असद भाई और कभी जाहिद भाई के घर रहेंगे। तुम्हें खामखा परेशान होने की जरूरत नहीं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने देखा दोनों की बीवियों को, एक दिन भी नहीं रखेंगी वो उन्हें। घर में हिस्सा लेने के लिए तुम तो बड़े बेचैन थे, मेरे बाप को नहीं रख सकते। खबरदार खबरदार, जो तुमने मुझे ताना दिया, मैं कोई खैरात नहीं मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा मांग रहा हूँ हिस्सा। शीना, ये घर अगर 50 लाख में बिक जाए ना, तो मुझे कम से कम 15 लाख मिल जाएंगे। 2.5 लाख मेरे पास हैं, कुछ मैं बैंक से कर्जा ले लूंगा, फिर मैं वो पोल्ट्री फार्म खरीद लूंगा, और फिर तुम देखना हमारे ऐश ही ऐश होंगे। तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे भी ख्याली पुलाव खाने की आदत सी हो गई है। अरे देख लेना तुम इस मर्तबा। तुम्हारी नौकरी का क्या बनेगा? नौकरी तो मैं साथ साथ करता रहूंगा। अरे भाई, मैंने मुर्गियों को कोई दाना थोड़ी डालना है, बस शाम को गया एक चक्कर लगाकर आ जाया करूंगा। देखो, तुम्हारे अब्बू हमारे सर पर तो नहीं यहाँ बैठेंगे। अरे वो तो हुम्मा का आइडिया है, वही करेगी जो कुछ भी करना है। देखो असद, मैंने कह दिया तुमसे, फिर ना कहना तुम। कहाँ जाना है? स्टाफ नंबर 4। 2 रुपए दे। मुबारक हो, 40 लाख का घर 50 लाख में बिका। 50 लाख? हाँ भाई, जिस काम में जाहिद होगा उसमें नफा ही नफा। भाई आप सबसे पहले अबू का हिस्सा दें। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं चाहिए अपना हिस्सा, आप ही लोग रखें इसे अपने पास। नहीं अबू नहीं, ये रहा आपका हिस्सा, और हाँ ये हिस्से मैंने निकाले हैं। अबू मैं हर हफ्ते आया करूंगा आपसे मिलने, आपको गेस्ट हाउस में कोई तकलीफ नहीं होगी। रमेश और इतने बददिमाग ना होते तो कितना अच्छा होता, मैं अपने अब्बू की खुद खिदमत करती अपने घर। अरे आजकल के गेस्ट हाउसेस बड़ी पर्सनलाइज सर्विस देते हैं। हाँ भाई, दरअसल मैं तो घर पे रहता नहीं हूँ, और मुसर्रत मेरी बात नहीं सुनती तो मेरे अब्बू की क्या खिदमत करेगी। आप लोगों को अपना अपना हिस्सा मिल गया ना जी, तो जाओ काम करो अपना, मेरा अल्लाह मालिक है, कर लूंगा कुछ ना कुछ। अब्बू मेरा वादा है कि मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आया करूंगा। और मैं भी अब्बू आपसे मिलने आया करूंगी, आपको तन्हाई का एहसास नहीं होने दूंगी। थैंक यू बेटे। बुजुर्गो, 4 नंबर स्टॉप आ गया है। मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम गेस्ट हाउस खोलो? ये तुम्हारा ही आइडिया था। मेरा ऐसा बोगस आइडिया नहीं हो सकता, मैंने कहा था अच्छा काम है कर लो। ये तुमने कहा था कि खोल के देख लो, असिस्ट मैं करूंगी। अल्लाह मेरी तौबा, मैं असिस्ट करूंगी? मैं, मुझे नहीं याद कब कहा था मैंने। देखो मुझे 10,000 रुपए दे दो, मुझे सख्त जरूरत है। नहीं है मेरे पास कुछ भी, जो कुछ था इस गेस्ट हाउस में झोंक दिया है तुम्हारे कहने पर। प्लीज प्लीज, एक आना नहीं है मेरे पास। अल्लाह से डरो, एक आना नहीं है तो चलो कर्जी दे दो। कर्जी दे दो? भाई तुम्हें पैसा चाहिए किस लिए? ये मैं नहीं बता सकता। मैं भी नहीं दे सकता। अच्छा चलो, अगर मैं बता दूं तो फिर तो तुम मुझे दे दोगे? हाँ सोचूंगा। अब देख लो, प्रॉमिस है, वो पिंकी है ना, पिंकी की सास की मैयत पे जाना है मुझे। भाई पिंकी की सास कब फौत हुई? नहीं फौत हुई तो ऐसे ही सब कह रहे थे, 3-4 दिनों की मेहमान। मेरा मतलब है बूढ़ी औरत है, बीमार रहती है तो चांस तो बनता है ना, बुरे वक्त का क्या पता। प्लीज भाई, तुम्हारी ये पिंकी की सास ने कब फौत होना है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें रकम आज चाहिए। ओ बाबा, खर्चा तो होता है ना। अब देखो ना, मेरे पास एक भी ढंग का मैयत ड्रेस नहीं है, और उधर वो दर्जियों को देखो, वो 6-6 हफ्ते बाद कपड़े। ओह माय गॉड, देखो ना खर्चा है, वहाँ टिकट टिकट पे पैसे खर्च होंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर 100वां होगा, फिर 40वां होगा, तो खर्च तो होता है। नहीं है कुछ मेरे पास, नहीं है। नहीं है? अच्छा तो चलो 5,000 रुपए ही दे दो। नहीं है 5,000 भी नहीं? नहीं है। अच्छा सोच लो फिर। सोच लिया मैंने। मैं नाराज हो सकती हूँ? ठीक है हो जाओ। हो जाओ? हो जाओ। मैं नाराज होने लगी हूँ? अरे भाई हो जाओ। हम्म,
तो वो मकान आपने बीवी के नाम कर दिया था? यह सरकारी मुलाजिम था, हजार झमेलों से बचने के लिए बीवी के नाम कर दिया था। यार वैसे भी सरकारी मुलाजिम और उसकी बीवी के अरमानों की मिराज ही यही होती है कि रिटायरमेंट से पहले अपना एक घर हो। वो तो ठीक है, लेकिन तुम बच्चों के बहकावे में कैसे आ गए? यार मैंने सोचा था अपनी अपनी रकम लेके वो खुश हो जाएंगे और मैं भी तन्हा रहने की बजाय उनकी खुशियां देखूंगा। यार वैसे मेरे मानने या ना मानने से क्या होता है, वो तो हर बदतमीजी पर तुले हुए थे। भाई देखो, ये मकान तुम्हारा है, बीवी का तो सिर्फ नाम था, तुम्हारे जीते जी ये लोग इसके हिस्से नहीं बांट सकते। वैसे तुम्हें दिया क्या? आठवां हिस्सा है। आठवां हिस्सा? भाई हमीदी देखो, तुम मेरी एक बात मानो। ये तुमने सफाई की है? अंधे देखो, तुमने नौकरी करनी है या नहीं करनी, बताओ। ओए ओ कचालू का पुत्र, ओए तो ये तू मुझे घूर घूर के क्या देख रहा? चलो उठा इसको, चल चल उठा इसको, कोई काम भी कर लिया कर आरामखोर। ये क्या हो रहा है? सर देखिए, मरो मा चूहा पड़ा है और सफाई करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। सर ये रैम्बो सारा दिन कोई सफाई नहीं करता, बस एक्शन करता रहता है। मार लो ब्राडो का पुत्र। मरा जी जी जी, देखो। नहीं ना सर, आपको तो रोज देखते हैं ना जी। मैं पूछता हूँ ये मरा हुआ चूहा रिसेप्शन में कैसे आया? सर हो सकता है जी इसका जनाजा जा रहा हो, और सर जनाजा जाते हुए ये चारपाई से गिर पड़ा हो, और देखे ना जी चूहों में इतनी अकल तो होती नहीं कि वो पीछे मुड़ के देखे कि मैयत है कि नहीं। मेरे ये तो है ना, अबू ने 1958 में एक बिल्डिंग को अपनी मलकियत क्लेम किया था, और अब उसके बारे में महकमा माल ने अबू के हक में फैसला दे दिया है, और जानती हो उसकी मौजूदा कीमत 2.5 करोड़ रुपया लिखी है। वाकई? बस 3 लाख के गवर्नमेंट के वाजिबात देने हैं। खैर वो तो मामूली सी बात है। क्या ख्याल है, असद भाई को बताना चाहिए? क्यों, ये खत उनको मिला होता तो तुम्हें बताते? तौबा करो जी। फौरन ऐसा करो, जाओ और अब्बू जी को ले आओ, इस दौरान हम उनकी खुद खिदमत करते हैं, और जब वो मुतमईन हो जाएं कि तमाम औलादों से सिर्फ तुम उनकी बेहतर खिदमत कर सकते हो, फिर करेंगे इस खत का ड्राफ्ट। ठीक है, ये ठीक है। अरे ये खत अगर तुम्हारे भाइयों में से किसी को अगर मिल जाता ना, तो वो तो तुम्हें कुत्ते का निवाला ना फेंकते। क्यों, तुम्हें घर में हिस्सा नहीं दिया था? अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे घर के पैसे वैसे। और खबरदार जो तुमने भाइयों को इत्तला की, लो भला खिदमतें करें हम और मीठा खाएं वो। शुक्र है खुदा का, जहाज का टिकट तो मिल गया ना, इंशाल्लाह शाम तक इस्लामाबाद भी पहुंच जाएंगे, और अब्बू को भी ये यकीन आ जाएगा कि हम वीकेंड पर उन्हें मिलने आ रहे हैं। वैसे जाहिद और हुमा ने अब्बू से वादा किया हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे पहले पहुंच जाए, वो लोग इस्लामा से करीब भी तो रहते हैं। अरे शीना, हम जहाज पर जा रहे हैं, कोई टट्टू पर थोड़ी जा रहे हैं। कमाल है। खवातीनो हजरात, तवज्जो फरमाइए, हमें निहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि चंद नागुजीर वजूहात की बिना पर हम इस्लामाबाद के बजाय लाहौर एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं। मुसाफिरों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए हम माजरत खां हैं। उम्मीद है आप आइंदा भी हमारे साथ सफर करेंगे, शुक्रिया। अरे जरा इस्ता चलाएं। कमाल करती हो, 2.5 करोड़ रुपए हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम वक्त जाया कर रहे हैं। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि अमीर होकर आप दूसरी लड़कियों के पीछे पड़ जाएं। अरे मुसरत, एक मर्तबा मुझे अमीर हो लेने दो, फिर देखना तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओगे। वो बिल्डिंग देख रही है, अगर वो तुम्हारा घर हो। इस
वीराने में क्यों रुक गई? मुझे क्या पता, पहुंचना भी जल्दी है और अगर वो हमसे पहले पहुंच गई तो। क्यों जनाब, ये गाड़ी इस वीराने में क्यों रोक दी? और बारिश की वजह से पटरी खराब है, उसकी मरम्मत हो रही है। कितनी देर और लगेगी भैया? अब देर ही देर है, 12 घंटे तो लग जाने हैं। आपको अगर बहुत ज्यादा जल्दी है ना तो जीटी रोड नजदीक ही है, पैदल चले जाए, हजारों बसें मिल जाएगी आपको वहां से। अच्छा, जीटी रोड यहाँ से नजदीक ही है भाई? वो ऐसा है कि बस में चलती है। बस में? हाँ हाँ, पैदल चलेंगे इतनी दूर? बाबा चल लेंगे पैदल, ज्यादा दूर नहीं होगा। मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा? क्यों भाई, चल सकते हैं पैदल। चले अच्छी बात है सर जी, मैं कर लूंगा। कितने बजे? जी ठीक है, हो जाएगा ना प्रॉब्लम? जी जी, नहीं नहीं कोई मसला नहीं है सर। हाँ जी जी, बेहतर है जी, अच्छी बात है। जी फरमाइए। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी वो आपके जाहिर में होटल, मेरा मतलब है आपके कमरे में होटल। अच्छा, वो आपके कमरे में जाहिर है ना जी वो? हाँ, जी जी जी, हमारे गेस्ट हाउस में कमरा है लेकिन हम सिर्फ शादीशुदा जोड़ों को देते हैं। सॉरी असद। जी तुम चुप क्यों रहे हो? असद काउंटर पे खड़ा है तो फिर क्या हुआ? अभी बना बनाया खेल चौपट हो जाता। और ये तुम क्यों चुप रही हो? मैं तुम्हारे पीछे चुप गई। क्या बात है सर, आप इनसे खुद बात कर लें। जी फरमाइए। जी ये मेरी अपनी बीवी है। जी तो मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। ओहो, आपको कमरा चाहिए? जी तो लाइए अपना शनाख्ती कार्ड दीजिए। सर आप फिल्मों में काम करते हैं? जी नहीं। ओ खबरदार हो, खबरदार। ओ माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो ओ जान रैम्बो, ओ आई विल शूट यू। ओ अगर हिलने की कोशिश की ना वो तो गोली से उड़ा दूंगा, गोली से। ओ नहीं नहीं डाकू भाई, हम बहुत दूर से आए, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ये देखो मेरा बाजू भी टूट गया। हमें कुछ मत कहो डाकू भाई। ओ मैं डाकू नहीं हूं, माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो ओ जान रैम्बो। पागल है, पागल। ऑलराइट ओके, आ जाए। ये क्या बदतमीजी है? ओ वाजी जी ये ना उधर काली डोर में छुपे हुए थे जी। उफ खुदाया, मैं तो ये नौकरी छोड़ूंगी। आप हाथ नीचे करें प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, वरना इसने तो हमें पौने घंटे से बंदूक की नोक में हैंड्स अप किया रखा है। बंदूक किधर है बंदूक? ओ जी ये है जी, ये बंदूक। मुझे कमरा चाहिए बहुत जल्द। सिंगल? नहीं डबल। आप अकेले डबल रूम में रहेंगी? ओहो जी नहीं, मेरे शौहर बाहर बेहोश पड़े हैं। मुराद बाहर से एक साहब को सामान समेत 12 नंबर कमरे में पहुंचा दो। हाँ भाई, वो तुम्हारे मेहमान पहुंच गए। अच्छा तुमसे मिल लिए या नहीं? अभी तो अपने अंदर जुर्रत पैदा कर रहे होंगे मेरा सामना करने की। अच्छा ये बताओ कि आज ये सब साथ कैसे हैं?
मेरा ख्याल है वो एक दूसरे से भी छुपने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ यही बात है। डियर अंकल, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मकान वाले सिलसिले में मैंने आपसे बहुत बदतमीजियों का मुजाहरा किया, बल्कि बेगैरती की है। ये लें आपकी रकम, हमें नहीं चाहिए, बस हमें तो आपकी मोहब्बत चाहिए, और आप हमारे लिए सिर्फ दुआएं करें, बस अब आप हमारे साथ चलें, और मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करता रहूंगा। क्यों भाई, कैसा है? फर्स्ट क्लास। ओहो भाई, आखिर इसमें मुश्किल क्या है, सीधे जाकर पैर पकड़ लो और माफी मांग लो। शीना, मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है, डर लग रहा है। हाँ, आप ये समझें कि यहाँ अबू खड़े हैं, ठीक है, और अब आप रिहर्सल करें कि आप अबू से माफी कैसे मांगेंगे। रिहर्सल? हाँ। नहीं भाई, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। असद प्लीज मेरे लिए। ओहो शीना, अच्छा चलो हटो यहाँ से, हटो। यहाँ अबू खड़े हैं। यहाँ अबू खड़े। अबू, अबू मुझे माफ कर दीजिए। अबू, मैं आपका बड़ा नाखलफ और नाहंजार बेटा। अबू, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादतियां की, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अबू, अबू मैं आपका गुलाम हूं, मुझे 100 जूतियां मारे, मुझे जलील और रुसवा करें, लेकिन अबू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे साथ अबू मेरे घर चले ना, मैं आपको एक अजीम बाप की तरह से रखूंगा, प्लीज अबू। तुम यहां कहां से आए? यहां से आया मुझे। मैं कहता हूं निकल जाओ, निकल जाओ, सफाई करनी है। Get out, you bloody fool! अब जाओ भी। इसमें डरने की क्या बात है? तुमने तो उनसे पहले भी कहा था कि तुम मिलने के लिए आओगे। खबरदार जो तूने मुझे अंकल कहा। चल जाके कमोड़ साफ कर, बहुत गंदा हुआ है। अंकल मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगा जब तक तू मेरा कहना नहीं मानेगा। अंकल बिल्कुल साफ कर दिया। अबे तूने फिर मुझे अंकल कहा? अच्छा तू जाके अब बेसन साफ कर। सुन, वहां तेजाब पड़ा हुआ है, उससे फर्श को अच्छी तरह चमकाइयो। जी भाई, आप तकरीर से क्या करवा रहे? क्या करवा रहा हूँ? वो मैं समझा था कि वो कोई रेम्बो बदमाश है, ये तो था। I'm sorry बेटे, वो इत्तेफाक से हाथ जल गए। अबू ये आपके पैसे। अरे बेटे, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अबू। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी। अबू ये आपकी रकम लाए थे। जी कमाल है अबू,
ये आप क्या कर रहे हैं, अपने जूते खुद पॉलिश कर रहे? ओहो, अरे भाई शीना, देखती नहीं हो कमरा कितना गंदा पड़ा है? अब देखो, अब कोई कपड़े वपड़े धोने वाले होंगे और कोई काम करने वाले? शाबाश, जल्दी कर दो। अभी अभी मैं देखती हूँ। नहीं अबू, नहीं कमाल, अबू आप सारे काम अपने खुद करते हैं। अब हमें आपने कहा होता हम सारे काम आपके कर देते, कपड़े मैं आपके धो देती हूँ, वो अबू आपके सॉक्स भी धो देती हूँ मैं, आप फिक्र ना करें, आपने मुझे कहा होता। अगर इसी तरह हमें अमीर बनना ना तो मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। ओहो शीना, थोड़े दिनों की तो बात है, अब खुदारा कहना मत कुछ। मगर ये इतने ढेर सारे कपड़े आपके अब्बा जान के धोएगा कौन? मैं धुला देता हूँ साथ तुम्हारे, लाओ शाबाश। ये क्या हो रहा है? बाजी आप जनाब को मैं बताता हूँ, ये 8 नंबर वाले मेहदी साहब नहीं है, बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, ये सारे उनके मुरीद हैं। वो मार्लो ब्रांडो का पुत्र रैम्बो कह रहा था कि इनके एक बंदे ने ऐसा बाथरूम साफ किया है, ऐसा बाथरूम साफ किया है कि फर्श में मुंह नजर आता है। नहीं आप वहां जाके खुद ना देखे ना, तो वहां जाके यूं दंदासा मले, पावे लिपस्टिक लगाए। चलो चलो फौरन जाओ के काम करो। नहीं नहीं लिपस्टिक तो आपने लगाई हुई है ना। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आपके बगैर हम बहुत उदास हो गए थे और मैं आपको लेने आया। बैठो। जी शुक्रिया अब्बू, मैं आपको लेने आया। क्यों मजाक करते हो यार, अपने किसी काम से आए हो? नहीं अब्बू, सच, आपको लिए बगैर मैं वापस नहीं जाऊंगा और मकान वाली बात पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कमाल, मकान बेचने में तुम सबसे आगे आगे थे, अब ये उल्टी गंगा कैसे बह रही? अब मैं ये आपकी रकम लौटाने आया। नहीं बेटे, तुम इसे अपने पास ही रखो, तुम्हारे 100 काम आएंगे, मैं लेके क्या करूंगा? अब प्लीज मेरा दिल ना तोड़िए, इसे ले लीजिए। अच्छा सोच लो, ऐसा ना हो फिर तुम्हारी आंखें फिर जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आपको, मैं आपके कदमों में रहना चाहता हूं, आपकी खिदमत करना चाहता हूं अबू। सानू नहर वाले पुल ते बुला के वो साड़ी अखे में से नींदर उड़ा के ते रैंबो माही किथे रह तुमने सुना वो जो हमीदी है ना, वो तो बड़ा पहुंचा हुआ। ये आपको जरूर मुराद ने कहा होगा। नहीं भाई नहीं, बड़े मुरीद है उसके, कोई उसके पैर दबा रहा है, उसके कपड़े इस्त्री कर रहा है। अल्लाह मैं तो उसे कहूंगी दुआ करे हमारा गेस्ट हाउस कामयाब हो जाए। बेगम साहब जी, आप उनसे कहें जी वो मेरे लिए दुआ करे ना, अपने जो शमीम साहब है ना मेरी तनख्वाह बता दे। मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। बाजी जी मैं उनसे कहूंगा ना वो आपके लिए दुआ करें कि आपकी शादी ना उनसे हो जाए। किन से? जी उनसे। नींद रहा उड़ा के भाई। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बड़ी रौनक लगी हुई है। मियाँ यही तो मियाँ बीवी की खुशी होती है। तुम सुनाओ कैसे आए? यार वो समदानी साहब मिले थे मुझे। हाँ हाँ, वो महकमे माल वाले। हाँ हाँ। अरे वो जो सेटलमेंट में काम करते थे ना। अच्छा अच्छा। वो कह रहा था कि अरे ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, बस वो अबू का बाथरूम धो रहा था तो हाथों पर तेजाब गिर गया। और ये तुम्हारे हाथ कैसे हो रहे हैं भाई? वो जी अबू से मिलने आ रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अरे और ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ भाई? अंकल वो अबू के कपड़े धोते हुए। भाई कमाल है, जिन लोगों ने कभी अपना मुंह नहीं धोया वो कपड़े और बाथरूम धोने लगे। हाँ तो वो मैं समदानी की बात कर रहा था। भाई वो कह रहा था कि वो तुम्हारा जो क्लेम था ना उसका कुछ हो गया है। वाकई? भाई उन्होंने तो लेटर भी इशू कर दिया तुम्हें। अरे सच? हाँ हाँ। अरे मैं तो जिंदगी भर इस खत के बारे में तरसता रहा, अगर कोई मुझे वो खत ला दे मैं जिंदगी भर उसका गुलाम बन के रहूं।
ये क्या हुआ? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये सरासर फ्रॉड है। कोई ऐसा वैसा, यानी रकम बटोरने के लिए हम सबको जाली खत लिखे। असद, मैंने तुम्हें कहा था मुझे गहने बनवा दो, मगर तुम कहां मानने वाले हो? ये तो तुम्हारी ये चक 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 बंद करो ये अपनी चक 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 चक। लाहौल, सोचना ये है कि कम से कम पहली वाली रकम तो वापस मिल जाए। देखा तुमने असद को, कहता है उन पैसों का पीछा छोड़ दो। कैसे छोड़ दें हम पैसों का पीछा? कैसी चाल चली इस मक्कार बूढ़े ने। खैर, अब मक्कार तो ना कहो। हाँ हाँ बाबा, मक्कार है मक्कार, अय्यारो मक्कार। मगर अब हो क्या सकता है? मैं इसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये उम्र भर याद रखेगा। वैसे तुम थोड़ी सी बदतमीजी करके देखो उस टुट्टे मक्कार के साथ, हो सकता है वो डर जाए। ऐसे भी वो तुमसे डरता बहुत है। बदतमीजी बदतमीजी नहीं करूंगा, इस मर्तबा मैं ऐसी चाल चलूंगा कि ये अपनी चाल भी भूल जाएगा। क्या करोगे तुम? मुझे मालूम है ये रकम कहां रखता है। चोरी करोगे? मैं तो अपनी रकम उठाऊंगा और चल पड़ूंगा। तो फिर मेरा हिस्सा भी ले लेना प्लीज। बस अबू जी, मजाक बहुत हो गया। अब हम चाहते हैं कि आप दिल से हमें माफ कर दें। पहले आप मुझे ये बताइए, ये घर किसके खून पसीने की कमाई से बना था? आपके। तुम्हारी अम्मी के नाम किसने किया था? आपने। इसे बेचने का इख्तियार किसे था? आपको। तो फिर आप इसके हिस्से बखरे करने वाले कौन लोग होते हैं? अबू जी, हम सब आपसे माफी चाहते हैं। वो रकम तो तुम्हें किसी सूरत वापिस नहीं मिलेगी। देखिए अबू, बात यह है कि आपने भी मजाक किया और गलतियां हमसे भी हुई हैं। मेरा ख्याल है ये मामला घर ही में खत्म हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि ये किस्सा अदालत में भी जा सकता है। जा सकता है तो क्यों नहीं लेकर जाते? तौकीर भाई, आप भी हद करते हैं, बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? तुम चुप रहो डड्डू, तुम्हें अगर पैसे नहीं चाहिए तो मत लो। मैं किसी से डरता वरता नहीं हूं, मैं अपना हक लेकर रहूंगा। तुम्हारा क्या हक? रकम तो मेरी है। तो ठीक है, फिर रहो अपने बूढ़े बाप के साथ, मेरे साथ रहने की कोई सूरत नहीं है। तो आप लोग बाहर सूरत अपना धोखा चाटना चाहते हैं? जी नहीं, ये हमारे बच्चों का हक है। वैसे अब्बू, आपने जिसना हमसे रकम बटोरने के लिए जो कुछ किया है, ये कुछ ठीक नहीं है। आखिर हमारी भी कोई इज्जत है। अब्बू, आपने असद भाई को भी नाराज कर दिया है। आखिर आपको इतनी रकम की क्या जरूरत है? हमारे बच्चे हैं, 100 जरूरतें हैं, आपका क्या है? अब्बू, ये रकम हमें नहीं चाहिए, आप रख लें, हमारा भी खुदा है। क्यों नहीं चाहिए? चाहिए भाई, हमें तो रकम चाहिए, जैसे भी हो। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे कमबख्तों, मैं अभी अभी सेटलमेंट के दफ्तर से आ रहा हूं। हमारे पास तीनों खत जाली हैं, लेकिन हाँ, एक खत उन्होंने भी लिखा है और वो बिल्डिंग वाकई अबू के नाम हो गई है। खुदा के लिए आप उस खत को ढूंढो। क्या आप इस खत की बात कर रहे हैं? वजीर साहब, कल के अखबार में इश्तहार दे दीजिए, मैंने अपनी सारी औलाद को जायदाद से आग कर दिया है और मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद किसी यतीम खाने को दे दी जाए। लेकिन आउट, गेट आउट। डूब मरो।